कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद यशोदर सदस्त्री श्री श्री माधवती प्रयोग सिद्धांत गुरुपाद महाराज जी के चरण कमल में अनंत बड़े साष्टांग भगवत प्रणाम करता हूँ। उसको बाद में मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडपादगण वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग इसके पहले हम लोग ने श्रवण किए हुए श्रवण किए ही मैया के श्री कृष्ण को बंधन में बांधे। जब बंधन में बांधे कितने में सखा लोगों ने कोशिश की बंधन को खोलने के लिए, लेकिन वो खोल नहीं सके। बोले क्यों? क्योंकि उनको वात्सल्य रस ही उनको बांधा था, इसलिए वात्सल्य रस को द्वारा को बंधे हुए हैं। जो अनंत है, जो असीम है, जो अखंड है, जिसका बाहर नहीं जिसका भीतर नहीं, उनको कौन बांध सकते हैं? लेकिन मैया इनको अपना वात्सल्य रस से ही बांध दे, क्योंकि वात्सल्य रस का जो लक्षण है तारण भर्षण है। ये मेरा लाला है, ये मेरे कोख से जन्म लिया, इसलिए मैं आज पर इसको बांध कर छोड़ूंगी। लेकिन वो अनंत होते हुए भी मैया की बंधन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। सखाओं ने कोशिश की लेकिन किसी तरह से खोल नहीं पाए। इतने में कृष्ण सामने देखा कि जमलार जो वृक्षों को देखा, कैसे ये पूर्व जन्म में ये नाल कुबेर और मुनि ग्रीन थे। इन लोगों ने नारद जी को उन्होंने असन्मान किया है, इसलिए नारद इनको अभिशाप दिया, जाओ वृक्ष जैसे नंगे रहते हैं ऐसे तुम लोग नंगे रहो। यहाँ प्रश्न होता है, जब नारद जी चाह रहे थे भैया कोई कौन नंगे होकर के जल विहार कर रहे कोई नहीं कर रहे, फिर आपसे उसमें क्या मतलब था? ये आपको ये अभिशाप देने का क्या जरूरत था? वो अपना रास्ता में जाओ, फिर आप इनको अभिशाप क्यों दिए? चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, एक सुंदर उदाहरण दिया, जैसे कोई मैया ने बड़ा सुंदर कोई खाना बनाया, उसको पता है बच्चे को ये चीज बड़ा प्यारा है, लेकिन बच्चा सो गया तो मैया क्या करेगी? उसको जोर जबरदस्ती हिला हिला करके चिमटी काट करके किसी तरह से उसको हिला हिला करके उसको उठाएगी और उठा कर उसको खाना खिलाएगी। कहते तो उसी तरह श्री नारद जी बड़े दयाल हैं, वैष्णव बड़े दयाल होते हैं। इसलिए अभी नारद जी सोच रहे हैं ये कहाँ स्वर्ग के कुबेर के कहाँ संतान है, लेकिन देखो अभी क्या काम कर रहे हैं, क्या कितने निकृष्ट काम कर रहे हैं। इसलिए नारद जी मानो उनको ये ब्रज प्रेम में उनको अभिषिक्त करना चाहते हैं, ब्रज प्रेम को देना के लिए चाह रहे हैं, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये नशा में शराब पी कर नशे में चूर है। इसलिए नारद जी माने इनको बाद में ये मधुकट और सिद्धकट बन करके फिर उनको गोलोक वृंदावन जाते हैं। एक सवेरे और एक शाम को गोलोक वृंदावन में एक वात्सल्य रस और एक श्रृंगार रस की वहां कथा सुनाते हैं। इसलिए संतों का जो अभिशाप है, ये अभिशाप में उनको वृक्ष कहाँ जन्म, इसलिए अभिशाप से निकृष्ट गति होता है, लेकिन अभिशाप से स्थान कहाँ मिला, बल्कि उनको गोकुल में स्थान मिला। और कृष्ण बचपन से जो लीला कर रहे थे वो सारे लीला दर्शन करने का ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए वैष्णव का अभिशाप ही वरदान रूप में काम करता है। अभी कृष्ण अभी नारद जी की वाक्यों को रक्षा करने के लिए सखाओं को बोले उखल को पीछे से धक्का मारो, धक्का मारे तो कृष्ण धीरे धीरे
तो उन्हें वृक्षों को बीच में होकर के जब निकल गए इतने में थोड़ी सी ताकत लगाते ही दोनों वृक्ष धड़ाम कर गिरी। जब धड़ाम कर गिरी इतनी जोर से आवाज हुई फिर वहां से श्री नाल कुबेर और श्री मुनि की वहां पर प्रकट हुए। प्रकट होकर के कृष्ण को उन्होंने परिक्रमा की, परिक्रमा करते हुए ध्यान से चले गए। इतने में सारे प्रजावासी वहां पर इकट्ठे हो गए। नंद बाबा आकर के देखा अगर वृक्ष थोड़ी सी इधर उधर हो जाता तो मेरे लाला का नाम नाम सत्य हो जाता। इतने में नंद बाबा आकर के फटाफट उन्हें रस्सी को खोल दे। बोले क्यों खोले कैसे, क्योंकि उनको बात्सल्य रस को द्वारा ही बनते गए थे लेकिन पहले सख्य रस कोशिश कर रहा था इसलिए खोल पाए नहीं, लेकिन यहाँ पर बात्सल्य रस को द्वारा ही फिर उनको खोल पाए। अभी बच्चों का एक स्वभाव होता है अगर इस अगर मैया ने शासन की अगर पिताजी थोड़ी प्यार देते ना बच्चे रोने लग जाते, ये बच्चों का स्वभाव है। अभी तक तो कृष्ण सखाओं के साथ में वो खेल रहे थे हंस रहे थे लेकिन नंद बाबा आकर जो खोल दिए खोल करके बोले लाला तेरे को बांधा किसी ने, बोले मैया, बोले खोला किसी ने, बोले बाबा, बोले बड़े मैया 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 करते रहे तो बोले बताओ अभी किसको पास में रहोगे, बोले बाबा को साथ में रहूंगा मैया मेरे को मार दी। इतने में नंद बाबा एक लड्डो निकाल कर कन्हैया को दे दिया। इतने में नंद बाबा ने मैया जसोदा को तो बड़ी डांट लगाई, अरे एक दो मटकी का तोड़ा होगा और तो कोई नहीं, उसके लिए इतना बड़ा दंड बांधना, अगर लाला को अभी थोड़ी सी अगर पेड़ उधर उधर होता तो अभी लाला का राम नाम सत्य हो जाता। लगता है तेरे को मटकी में और मक्खन में और दही में सदा लो इसको लेकर रहा कर तू, मैं ये दोनों बच्चों को लेकर तीर्थ में जा रहा हूँ। मैया तो डर गई, बोले सचमुच से अगर लेकर चले गए तो फिर नंद बाबा कृष्ण बलराम को लेकर के ब्रह्मांड घाट में स्नान कराने के लिए ले गए और धारस में दूध में मिश्री मिला करके दोनों बच्चों को पिला दी। जब शाम को आए अभी घर में लड़ाई हो गई, एक कोड़ में मैया बैठी हुई, एक कोड़ में नंद बाबा बैठे हुए, अभी तीसरा व्यक्ति लड़ाई को समाप्त करा सकती है, विमान करा सकती है, बोले तृतीय व्यक्ति कौन, बोले रोहिणी। इतने में रोहिणी ने देखा अगर कृष्ण को लेकर के श्री मैया की गोद में छोड़ दिया जाए इनकी लड़ाई शांत हो जाएगा। बोले दाऊ एक काम कर, लाला के हाथ पकड़ करके छोड़ दे मैया की गोद में। इतने में दाऊ जा करके बोले कन्हैया मैया के पास नहीं जाओगे, जो पकड़ करके लेने जा रहे थे ना। इतने में कृष्ण को ऐसे एक झपका मारी दाऊ भैया तो वहीं पर गिर गए। इतने में रोहिणी बोली कन्हैया तो मैया की गोद में नहीं जाओगे, बोले नहीं मैया मेरे को मारती है, मैं मैया को गोद में नहीं जाऊंगा। अगर नहीं जाओगे तो मतलब दूध कहाँ से मिलेगा, बाबा के पास में दूध नहीं, दूध तो मैया के पास में मिलेगा। बोले पिताजी धारस न दूध में मिश्री मिला करके पिला देंगे। बोले खेलोगे किसको साथ में, बोले दाऊ भैया को साथ में, बोले सोओगे किसको साथ में। कृष्ण का एक स्वभाव था जब तक मैया की गोद में नहीं सोए तो नींद नहीं आती। बोले सोओगे किसको पास में, बोले बाबा की गोद में सो जाओगे, बोले मैया को पास में, बोले नहीं मैया मारती है। रोहिणी बोली अगर मैया को पास में नहीं जाओगे अगर ऐसे हो गया तो फिर क्या करोगे। जब बोले ऐसे हो गया मतलब मर गई तो क्या करोगी। इतना बोलते ही फिर तक कन्हैया को रहा नहीं गया, फिर तक कृष्ण मैया 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 करते करते पिताजी की गोद से उठ करके सीधा उन्होंने मैया की गोद में लेट गए। वहां पर जितने सब ब्रजवासी थे ये लीला देख करके सबके सब रो उठे सबके सब। इसलिए यहाँ पर श्री हमारे श्री सत्यव्रत मुनि कहते हैं इति प्रीति सलीला विरानंद कुंडे शोक सम निवजंत माख्या भयंतम। इसलिए कृष्ण इतने सुंदर सुंदर लीला करते थे जिसको देख करके संपूर्ण ब्रजवासी वो लीला में एकदम डूबे रहते थे। और दो मिनट दस मिनट नहीं हुआ, दस मिनट नहीं हुआ, दो तीन मिनट बाकी, इसलिए हरि हरे कृष्ण। इसलिए कहते गुरुदेव इति त्रिक सलीला ये श्लोकों को पर व्याख्या करते थे, उन्होंने फल विक्रहणी की कथा सुनाया करते थे। एक दिन कैसे मथुरा में तीन मिनट में, इसलिए कैसे एक दिन मथुरा में एक कोई फल विक्रहणी थी। अभी ब्रज से कुछ गोपियां जब कभी कभी मथुरा आती थी, गोपियों को कण कर्म इनका नाम ही गोपी है, गो मतलब इंद्रियां,
पी मतलब बिना बस गूप रखें पालने पोषण जाओ संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा कृष्ण सेवा जो करती है ये गोपियां हैं। अभी कभी कभी आ करके मथुरा में जब जब बैठ कृष्ण का ही चर्चा अभी कृष्ण कथा सुनते सुनते अभी इसकी मन में भी भावना हुई मैं भी कृष्ण को मैं दर्शन करूँ। बोले दर्शन करके इसे बोले बच्चों को फल खाने का बड़ा इच्छा है इसलिए अगर मैं अच्छे अच्छे फल लेकर के जाऊँ हो सकता है कृष्ण फल की लोभ से आएगा तो मैं दर्शन कर लूंगी। इतने में वो आ करके गेट को बाहर खड़ी होकर के फल लेगा कौन फल बड़े जोर जोर से पुकारती लेकिन उसको सुन करके कृष्ण की सखा लोग आए लेकिन वो कृष्ण नहीं आए बेचारी बड़ी दुखी होकर के आ गई। दूसरे दिन भी गई दूसरे दिन भी वापस आ गई लेकिन कृष्ण दर्शन नहीं हुई। लेकिन जब तीसरे दिन जब जाती है वो प्रतिज्ञा लेकर के जाती है आज अगर कृष्ण दर्शन नहीं मिलेगा आज मैं ब्रज से गोकुल से वापस नहीं आएगी। कृष्ण चिंतन करते 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 इतनी और डूब गई वो फैल फल बेचना भूल गई। अभी कहती है गोपाल लेगा कौन गोपाल गिरधारी लेगा कौन गिरधारी। अभी उन्होंने पूरा कृष्ण चिंतन में डूब गई। अभी कृष्ण दो दिन तक नहीं आए बोले क्यों नहीं आए इसका कारण बताए जब तक किसकी हृदय में उत्कंठा नहीं हो तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होता है। एक दिन पागल बनना ही पड़ेगा बगैर पागल कृष्ण नहीं बन प्राप्त नहीं होते है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हमारे विषय पागल बोलिया अंगेत दिवेक धूली कब ऐसे दिन आएगा जो कि मैं पागल बनू। इसलिए कोई बोले कोई धन दौलत के पागल है कोई पागल है बेटा नारी के लेकिन सच्चा पागल कौन है जो पागल है श्री राधा रमण बिहारी के। इसलिए अभी पागल बनना पड़ेगा दो दिन तक क्यों नहीं आए सखा लोग फल खाए शिक्षा देते हैं जब तक मेरे भक्तों का सेवा नहीं करोगे तब तक मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हो और मेरे को पागल पाने के लिए पागल बनना पड़ेगा। इतने में जब उन्होंने गिरधार लेगा कौन गोपाल लेगा बोल रहे इतने में कृष्ण आंगन में खेल रहे थे गेहूं को ऊपर में। इतने में कृष्ण अपना हाथों से उन्होंने गेहूं को उठाया गेहूं उठाकर जब चलने लग गए इतने में कृष्ण का जो छोटे बच्चे ये अंगुल को बीच में गेहूं गिरते गिरते पड़ रहा था बोले कहा बोले कृष्ण की चरण को ऊपर में। टीकाकार कहते हैं ये गेहूं क्या बोलना चाहता है बोले कृष्ण मैं तेरी एक आंगन में पड़ी हुई हूँ यदि ये गेहूं कौन है यदि ये लक्ष्मी है बोले मैं तुम्हारी चरण पकड़ती हूँ मैं तो तेरे कोई हानि कर ही नहीं रही हूँ तो मेरे को दूसरों को देने के लिए क्यों जा रहे हो मैं तेरे चरणों के ऊपर गिर रही हूँ मेरे को बाहर मत निकाला करो। इतने में फिर जब कृष्ण चलने लग गए फिर कृष्ण के चरण में नुपुर बंधा हुआ था। इतने में नुपुर की छम 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 आवाज होने लग गया मानो नुपुर कह रहा है बोले कृष्ण कहाँ जा रहे हो कुछ दिन पहले ये वृक्ष गिरते गिरते बचा है ना खबरदार अगर जाओगे ना मैया को मैं फिर बोल दूंगी हाँ जा रहे हो कहाँ आप बोलो कि नुपुर क्या ऐसे बोल सकता है बोले हाँ वो नुपुर साधारण नहीं हो बलदेव प्रभु नुपुर है वहां के सब के सब चिन्हमय है कृष्ण की। इसलिए कृष्ण ने कहा ये तारी का जाने नहीं देगा ये तो मैया को बोल देगा। इसलिए उन्होंने क्या किया नीचे से था उन्होंने ऊपर उठा दिया ऊपर उठा दिया तो चुप गया तो फिर तो वहां पर गए जब गए इतने में वो तो बाबरी बन करके गोपाल लेगा कौन गिरधर लेगा कौन बोल रही थी उसने सुन रखी थी कृष्ण बड़े सुंदर है लेकिन जीवन में जो पहला बार उन्होंने देखा सचमुच से कितना सुंदर है तथा भूषणम भूषणांगम अद्भुत सुंदर है। इतने में कृष्ण गेहूं हाथ में दो चार था उसको टोकरी में डाल दिया बोले मेरे को फल दे बोले तू मेरे को तो पहले कुछ दे तब तो मैं फल दूंगी पहले तो बिना दिए कहते फल फल दो। कृष्ण कहते तू तो नई बात कह रही हो मैं जब गोपियों के घर में जाता हूँ ना मेरे को कोई भी मांगते नहीं गोद में बैठा करके मेरे को बड़े प्यार से मक्खन मिश्र खिलाते हैं मेरे को कुछ बोलते नहीं हैं बोले अगर तू मेरे पर गोद में बैठ जा फिर तेरे को भी सब कुछ दे दूंगी। इतने में कृष्ण सोच में पड़े कि भाई बोलूँ कि नहीं बोलूँ माधव महाराज क्या कर रहे थे इसलिए बोले बोलूँ कि नहीं बोलूँ। इसने देखा इसने कृष्ण देखा आस पास में तो कोई है ही नहीं अगर कोई देख जाएगा तो मेरे को फिर हंसी दिल की करें बोले पता नहीं अनजान व्यक्ति गोद में बैठ गया कृष्ण इधर उधर झांका देगा कोई है नहीं बोले भैया एक बार बैठने पर अगर इतना फल मिलेगा तो क्यों नहीं बैठ गया। इतने में उन्होंने आए और झट उन्होंने
इसलिए उन्होंने उनकी गोद में बैठी गई। अगर भगवान किसकी गोद में बैठे कहते ना यद्यपि समाधि सुविधि रपि पश्यति, इसलिए जब गोद में बैठी गई भगवान उसको तो सुधबुद सब हो गई और उसने कृष्ण को छोटी सी हाथ में सारी फल छोटी सी हाथ में आ गया। और उन्होंने जब उन्होंने वापस आए तो इतने में वो जो फल बेचने वाली थी थोड़ी दूर गई तो देखा भैया टोकरी इतना भोजन कैसे हो गया, तो उसको उतार करके देखी गिरी जवाहरात से भरी हुई है। बोले ठाकुर जी मैं यही चीज आपसे नहीं मांग रही थी, मैं तो केवल यही चीज मांगती हूँ दीन में एक बार मेरा दर्शन मिले। फिर वो टोकरी को लेकर के जमुना में उतार ली, उसको बाद में फिर कहाँ चली गई उसकी पता नहीं कहाँ चली गई। फिर तो ठाकुर जी क्यों अपना परिकर रूप में ठाकुर जी उनसे लेकर गए, इसलिए कितनी प्रीत सलीला विराजन कर होते तो भस्म निवजन माख्या भयंतम। कृष्ण ऐसे ही बड़े सुंदर सुंदर लीला के द्वारा संपूर्ण ब्रजवासियों को उन्होंने डुबो कर कर सके। बच्चा कलम कर वैसा कृपा सिंधु में बचा पतिता ना पावती।